दिल्ली महिला आयोग की सालाना रिपोर्ट पेश की गई है। आपको बता दें कि हेल्पलाइन 181 पर 7 वर्षों में 40 लाख से अधिक कॉल मिली हैं। वहीं घरेलू हिंसा के मामले 38,342 मामलों के साथ शीर्ष पर हैं। आयोग को अपनी 181 हेल्पलाइन नंबर 1,552 गुमशुदा शिकायतें मिली है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली महिला आयोग की सालाना रिपोर्ट। हेल्पलाइन 181 पर 7 वर्षों में 40 लाख से अधिक कॉल। घरेलू हिंसा के मामले में 38,342 मामलों के साथ शीर्ष पर। घरेलू हिंसा के सबसे अधिक मामले पड़ोसियों के साथ झगड़े के 9,516 मामले, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के 5,895 मामले, पॉक्सो के 3,647 मामले, अपहरण के 4,229 मामले, साइबर अपराध के 3,558 मामले। आयोग को अपनी 181 हेल्पलाइन पर 1,552 गुमशुदा शिकायतें मिली। आयोग को दहेज उत्पीड़न के 2,278 मामले, चिकित्सा में लापरवाही के 790 मामले, सेक्स रैकेट के 156 मामले, तस्करी के 40 मामले, बाल विवाह के 59 मामले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 67 मामले, बाल श्रम के 66 मामले, अवैध शराब और नशीली दवाओं के 63 मामले, ऑनर किलिंग के 54 मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की 181 विमेन्स हेल्पलाइन में पिछले 7 सालों में 40 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई हुई है। हमें पिछले 1 साल में 6,30,000 से ज्यादा कॉल्स रिसीव हुए हैं, जिनमें 92,000 केसेस थे और उनमें से 11,000 केसेस दिल्ली से बाहर के थे। दिल्ली महिला आयोग की जो 181 विमेन्स हेल्पलाइन है, जो कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉल सेंटर की तरह काम नहीं करती, बल्कि एक प्रॉपर ग्राउंड की टीम भी इसको बैक करती है। जैसे ही किसी कॉल कोई कॉल रिसीव होती है 181 विमेन हेल्पलाइन पे, उसे सुना जाता है। 24/7 हमारे पास काउंसलर्स हैं जो कि शिफ्ट्स में काम करते हैं और उन कॉल्स पर तुरंत सुनवाई होती है कि तुरंत एक ग्राउंड की काउंसलर लड़की के पास पहुंचती है। सपोज लड़की ने बताया कि पुलिस उसकी FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो हमारी टीम वहां पे ऑन द स्पॉट जाती है, पुलिस स्टेशन में जाके लड़कियों की FIR दर्ज करवाई जाती है। इसी तरीके से अगर लड़की बताती है कि मेडिकल नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो हमारी टीम हॉस्पिटल जाती है। कई हजार लड़कियों को हमने इस प्रोसेस के द्वारा रेस्क्यू भी करा है सेक्स ट्रैफिकर्स के चंगुल से। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिलाओं के लिए साल भर किए गए कामकाज की रिपोर्ट पेश की। बता दें कि आयोग को सबसे ज्यादा 2,976 मामले नरेला इलाके से मिले हैं। इसके बाद भलसवा डेयरी से 1,651, बुराड़ी से 1,523, कल्याणपुरी से 1,371 और जहांगीरपुरी इलाके से 1,221 मामले शामिल हैं। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने में शीर्ष 5 स्थान बुराड़ी से 175 मामले, नरेला से 167 मामले, गोविंदपुरी से 105 मामले, उत्तम नगर से 89 मामले और सुल्तानपुरी इलाके से 86 मामले हैं। 181 हेल्पलाइन पर प्राप्त पॉस्को के मामलों के संबंध में शीर्ष 5 क्षेत्र नरेला से 141, भलसवा डेयरी से 91, समयपुर बादली से 71, प्रेमनगर से 68 और निहाल विहार से 66 है। नरेला में अपहरण के सबसे ज्यादा 209 मामले सामने आए। इसके बाद भलसवा डेयरी से 106, बुराड़ी से 75, बवाना से 71 और संगम विहार से 63 है। हमारे पास पिछले 1 साल में डोमेस्टिक वायलेंस के 38,342 कॉल्स आई हैं हमारी 181 हेल्पलाइन पर। रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के 3,647 केसेस आए हैं। पॉक्सो के
रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के 5,895 केसेस आए हैं, पॉक्सो के 3,647 केसेस हैं, किडनैपिंग के 4,229 हैं, साइबर क्राइम के 3,558 केसेस हैं, मिसिंग विमेन एज वेल एज चिल्ड्रन के 1,552 केसेस हैं एंड सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट्स के 3,144 केसेस आए हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जुलाई, अगस्त और मई में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स 181 विमेंस हेल्पलाइन पे रिसीव होती हैं। हमने ये भी देखा है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं और दिन में 12 बजे से लेके 5 बजे तक तो हेल्पलाइन नॉन स्टॉप बजती रहती है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, हम ये रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को भेजेंगे और राजधानी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर काम करने में उनका सहयोग मांगेंगे। आयोग को 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं से लगभग 4% मामले प्राप्त हुए, जिसमें 90 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं से 40 मामले भी शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।